नमस्कार और स्वागत और विजयदशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको 92.7 पिक एफएम से। मैं अजय आपके साथ, मेरे साथ इस समय शूट पर मेरे दोस्त राजवीर, मेरा कैमरामैन, और जब ये वीडियो बन जाएगा तो सुल्तान पूरी तरह से एडिट करके दिखाएगा। पीछे विजय सिंह हमारे साथ हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं। आज पूरा शूट में हम तीनों आ गए हैं और एक और दोस्त बिजी रहेगा। वेल, ठीक पीछे मेरे रावण दहन होगा कुछ ही समय में, यानी कि विजयदशमी का ये पर्व जो हर साल हम मनाते हैं। नगर निगम द्वारा पटेल मैदान में जो समारोह आयोजित हो रहा है उसकी आपको कुछ झलकियां दिखाएंगे। एक बात जो दिल में है वो कहना चाहता हूं, विजयदशमी का त्यौहार हमें एक ही चीज सिखाता है। हर साल हम रावण का दहन करते हैं, बुराई का दहन करते हैं, बुराई को मिटाते हैं, यानी कि राम और रावण हमारे दिल में है, हमारे मन में है। अब किसे जिंदा रखना है और किसे मारना है ये आप और मैं जानते हैं, लेकिन रंगारंग कार्यक्रम जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, बचपन से मुझे भी बहुत पसंद आता है, इस रावण का जलना वो बहुत मजा आने वाला है, वो दिखाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल इसे पूरा देख लीजिए क्योंकि थोड़ी देर बाद ये नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। साथ में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दो पुतले और हैं यहाँ पर, कुंभकर्ण और मेघनाथ के। इससे पहले बहुत अच्छी आतिशबाजी होगी और राम की सवारी भी यहाँ आएगी। हाल फिलहाल हम इन्हीं को देख लेते हैं। बड़ी मेहनत से एक डेढ़ महीने से कारीगरों द्वारा ये पुतले तैयार किए जाते हैं और जो अजमेर में कारीगर आते हैं वो फतेहपुर सीकरी से आते हैं और उनकी अथक मेहनत और प्रयास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितनी कलाकारी है थोड़ी देर में सब स्वाह हो जाएगी, पर यही दस्तूर है ना। तो देखिए
92.7 पर।